हेलो दोस्तों, बारिश की सीजन जैसे ही शुरू होती है पाचन तंत्र में यानी कि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट हमारी ओपीडी में डे बाय डे ये तकलीफ लेके आते हैं कि जैसे ही बारिश की सीजन शुरू हुई, जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा था तो सब कुछ सही था, खाना अच्छे से खा रहे थे, मैंगो खा रहे थे, सब खा रहे थे, जैसे ही बारिश की सीजन शुरू हुई सूरज चला गया और जैसे ही बादल आ गए वैसे ही पाचन तंत्र खराब हो गया, यानी कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की तकलीफ रहती है। तो जिन जिन लोगों को ये तकलीफ है आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारिश की सीजन में आयुर्वेद के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बारिश की सीजन के बारे में। आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतुएं होती है जिसे आयुर्वेद में षड ऋतु कहा जाता है। 6 ऋतुओं का नाम है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुएं होती है, उसमें से हम बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु के बारे में यानी कि रेनी सीजन के बारे में। रेनी सीजन ज़्यादातर जुलाई और अगस्त महीने में होता है। रेनी सीजन में यंगस्टर को तो ज़्यादा तकलीफें नहीं होती है, लेकिन रेनी सीजन में बच्चे और ओल्ड एज यानी कि बूढ़े लोगों को ज़्यादा तकलीफें होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि वर्षा ऋतु में जो है वो वायु की यानी कि वात दोष की शरीर में वृद्धि होती है। वात दोष की शरीर में वृद्धि होने की वजह से नींद नहीं आना, गैस एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, कब्ज हो जाना, उसके अलावा काफ़ी सारी तकलीफें जैसे कि शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सुबह उठते ही बदन में जकड़ाहट महसूस होना, कमर में दर्द होना, ये सारी वायु के रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। जनरली दोस्तों वर्षा ऋतु में हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारा जठराग्नि जो है, हमारा डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाता है और विषम हो जाता है। 3 प्रकार के जो दोष है, वात, पित्त और कफ, उसमें हमारी अग्नि यानी कि जठराग्नि मेटाबॉलिज्म अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जिस सीजन में पित्त बढ़ जाता है तो हमारी अग्नि यानी कि मेटाबॉलिज्म बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि ठंडी की सीजन में हमें बहुत भूख लगती है क्योंकि पित्त बढ़ जाता है। उसके बाद जिस सीजन में कफ बढ़ जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, और जब वायु बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा विषम हो जाता है। मतलब कभी बहुत भूख लगती है तो कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती है। एक दो दिन बहुत अच्छे से भूख लगेगी तो एक दो दिन बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। खाना खाने का समय होगा तो भी हमें भूख नहीं लगेगी। दूसरा, जब बारिश जमीन पे गिरती है, गर्मियों के बाद जब बारिश जमीन पे गिरती है तो ठंडक की वजह से जो जमीन की भाप निकलती है वो हमारी सांसों के द्वारा हमारे शरीर में जाती है, जिसकी वजह से भी उसका जो मॉइस्चर बॉडी में जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन क्रिया मंद हो जाती है और हमारे गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन कम हो जाता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमारा अग्नि यानी कि मेटाबॉलिज्म सम होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी कि जो इंसान स्वस्थ रहना चाहता है तो उसकी पाचन शक्ति उसके दोष समान अवस्था में होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वर्षा ऋतु में हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस ऋतु में अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि वर्षा ऋतु की हम बात करें तो बादलों की वजह से सूरज की धूप हमें नहीं मिलती, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म वीक रहता है। जैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म वीक रहता है तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नो हो, यानी कि जठराग्नि मंद होगा तो इस सीजन में आपकी इम्यूनिटी दूसरी सीजन की कंपेरिजन में वीक रहेंगी। इसीलिए बारिश की सीजन में ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं और तरह तरह की बीमारियां जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, वाटरबोन डिसीज है, एयरबोन डिसीज है, ये सारे के सारे डिसीज जो है वो बारिश की सीजन में ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं। हमारे शरीर में बल भी कम होता है यानी कि बॉडी में स्ट्रेंथ कम होती है ये सीजन में।
तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें बारिश की सीज़न में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि बारिश की सीज़न में दिन में सोना आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आपकी दोपहर में खाना खाने के बाद सोने की आदत है या सुबह लेट तक उठने की यानी कि दिन में सोने की अगर आपकी आदत है तो आपको बारिश की सीज़न में उसको अवॉइड कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ आपको हो सकती है। दूसरा, मल्टीपल टाइम ईटिंग। कुछ लोगों को बार बार खाते रहने की आदत होती है। जब विंटर की सीजन होती है तो आपका अग्नि प्रदीप्त होता है, मेटाबॉलिक फायर आपका हाई होता है, तो आप बार बार खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन बारिश की सीजन में, वर्षा ऋतु में, आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी वीक है। अगर आप इसमें मल्टी टाइम ईटिंग करेंगे, ज़्यादा आप बार बार खाना खाएंगे, तो वो खाया हुआ खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बारिश की सीजन में सुबह, दोपहर और रात इस तरीके से टाइम टू टाइम आपको खाना है। और दूसरा, जब आपको भूख लगे तभी आपको खाना है। दूसरा, बारिश की सीजन में जब बारिश गिरती है तो कीड़े मकोड़े का उपद्रव ज़्यादा हो जाता है, तो आयुर्वेद में स्पेशली ऐसा कहा गया है कि खुले पैरों से आपको बाहर नहीं घूमना है। आयुर्वेद में थोड़ा डीप में जाके सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में भी ऐसा कहा गया है कि जठराग्नि मंद होने की वजह से हमारे शरीर की जितनी भी धातुएं हैं वो भी अच्छे प्रमाण में नहीं बनती है, और शरीर की सबसे अंतिम धातु जो है वो शुक्र धातु है, यानी कि वीर्य का प्रोडक्शन भी आपके शरीर में कम होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बारिश की सीजन में किया जाता है तो उसकी वजह से आपको वीकनेस आने के और इम्यूनिटी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो लोग सैलेड्स ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को एक्सेसिव मात्रा में सैलेड्स नहीं खाना है, क्योंकि सैलेड्स जो है वो रो है। हमारी अग्नि जब मंद होती है, मेटाबॉलिक फायर वीक होता है, मेटाबॉलिज्म वीक होता है, तो वो कच्ची चीज़ों को पचा नहीं सकता है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग हो सकता है। तो सैलेड्स को हमें ये सीज़न में अवॉइड करना है। दूसरा, हमें फ्रोजन फूड ये सीज़न में अवॉइड करना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि 2-3-4 दिन पुराना खाना फ्रिज में रख के खाते हैं, तो फ्रोजन फूड जो है वो फ्रेश फूड की कंपैरिजन में उसको कुक होने में भी टाइम लगता है और उसको पचने में भी टाइम लगता है। तो जो लोग फ्रोजन फूड बारिश की सीज़न में खाते हैं उनको बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ज़्यादा तीखा तला हुआ खाना आपको इस सीज़न में अवॉइड करना है। आपको आउटसाइड फूड, जंक फूड और ठंडा और बासी खाना भी ये सीजन में अवॉइड करना है। अब मैंने आपको ये तो बताया फ्रेंड्स के बारिश की सीजन में आपको क्या नहीं खाना है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बारिश की सीजन में खाना है? तो वर्षा ऋतु में आयुर्वेद में स्पेशली कहा गया है कि स्निग्ध भोजन करना है, मतलब कि आपको स्निग्धता वाला, चिकाश वाला खाना खाना है। जैसे कि आप दही का सेवन या तो बटर मिल्क का सेवन ये सीजन में कर सकते हैं। बारिश की सीजन में शरीर में वात की वृद्धि होती है, इसीलिए आपको ये सीजन में खट्टा और नमकीन ये दो रस का सेवन ज़्यादा करना है। तो खट्टे में आप बटर मिल्क का सेवन बारिश की सीजन में कर सकते हैं। बटर मिल्क यानी कि जिसको आयुर्वेद में तक्र कहा जाता है, आप रेगुलर दोपहर के खाने के साथ बटर मिल्क का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी बटर मिल्क में अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा पिपली का पाउडर या तो त्रिकटु का चूर्ण आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा डाल के और काला नमक डाल के आप उसको ले सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। बारिश की सीज़न में आप शहद का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि बारिश की सीज़न में जिन लोगों को कफ की शिकायत भी रहती है तो शहद उनके लिए उत्तम काम कर सकता है। जिन लोगों को पाचन रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं रहती हैं तो उन लोगों को बारिश की सीज़न में दोपहर को और शाम को दोनों टाइम खाना खाने से पहले एक छोटा सा पीस अदरक का लेना है, उसके ऊपर काला नमक और नींबू डाल के उसको चबा के खाना है खाना खाने से 5-10 मिनट पहले, और उसके बाद उनको खाना खाना है। ये प्रयोग आप अगर रेगुलर करेंगे तो इससे आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि अदरक, नमक और नींबू का जब कॉम्बिनेशन होगा और आपके पेट में जाएगा तो आगे का जो अपचित खाना होगा उसको भी वो पचा देगा, और जो आप खाना खाओगे उसको भी पचने में आसानी रहेगी। उसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपना ये सारी शिकायतें बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। दूसरा, बारिश की सीज़न में आप राइस के साथ सूप का सेवन भी कर सकते हैं। आप सूप का सेवन करेंगे तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ सकता है। और स्पेशली दोस्तों ये याद रखें कि वर्षा ऋतु में आपको सूर्यास्त के समय खाना खा लेना है। सूर्यास्त के समय खाना इसलिए खाना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा बारिश की सीज़न में मेटाबॉलिज्म वीक होता है, और अगर हम लेट खाना खाएंगे तो वो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होगा और काफ़ी सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। उसके अलावा अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी बता देता हूँ कि जिनका सेवन हम बारिश की सीज़न में कर सकते हैं।
सबसे पहली है आयुर्वेदिक औषधि जिसका नाम है द्राक्षासव। द्राक्षासव नाम का लिक्विड आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर पे मिल जाएगा। द्राक्षासव एक ऐसी औषधि है जो आपकी पाचन शक्ति को यानी कि आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, आपकी भूख को अच्छा करेगी और आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट भी कर सकती है। दूसरा है पंचकोलासव। जिन लोगों को कफ की शिकायत रहती है बारिश की सीजन में, काफ़ी सारे लोगों को साइनस की तकलीफ भी रहती है, स्नीजिंग की तकलीफ भी रहती है और उन लोगों को फीवर भी आता है और छींकें भी आती है, कफिंग भी होता है, तो उन लोगों को पंचकोलासव नाम का लिक्विड आता है जिसको 15-15 ml खाना खाने के बाद पानी में मिला के 2 टाइम लेने से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों को बारिश की सीजन में कब्ज की शिकायत हो जाती है और गैस और ब्लोटिंग की शिकायत हो जाती है, तो उन लोगों को अभयारिष्ट नाम का लिक्विड मिलता है। ये अभयारिष्ट की 15-15 ml की मात्रा दोनों टाइम खाना खाने के बाद लेने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्साओं के बारे में यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिसको हम बारिश की सीजन में कर सकते हैं। बारिश की सीजन को रोगों की ऋतु कहा गया है जिसमें ज्यादातर वायु रिलेटेड रोग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होती है। जिन लोगों को शरीर में जोड़ों में दर्द होना, कब्ज रहना, गैस एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, कमर दर्द होना और इस प्रकार की मसल्स पेन होना, इस प्रकार की तकलीफें ज्यादा रहती हैं, तो वो आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्साओं के अंतर्गत बस्ती नाम की चिकित्सा करवा सकते हैं। बस्ती को आयुर्वेद की आधी चिकित्सा कहा गया है। बस्ती को आप नॉर्मल भाषा में एनीमा समझ सकते हैं। जिन लोगों को भी अगर वायु के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है बारिश की सीजन में, तो वो अपने नज़दीकी पंचकर्म सेंटर पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पे जाके बस्ती चिकित्सा करवा सकते हैं। बस्ती चिकित्सा में अगर आपको 1-2 दिन या 3 दिन बस्ती भी आप करवा सकते हैं, जिसमें औषधि युक्त तेल को यानी मेडिकेटेड ऑयल को रेक्टल रूट से आपको इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे आपको पेन रिलेटेड और वायु रिलेटेड प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। और जिन लोगों को ये ज़्यादा तकलीफें हैं वायु के रिलेटेड, तो वो लोग योग बस्ती नाम की क्रिया जो 8 दिन तक होती है, वो भी अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से संपर्क करके करवा सकते हैं। उसके अलावा आप एक और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिसे अभ्यंग कहा जाता है। अभ्यंग को हम कॉमन भाषा में बॉडी मसाज कहते हैं, आयुर्वेद में उसे अभ्यंग कहा जाता है। अभ्यंग जो है वो परम वात शामक है, तो वायु के रिलेटेड जो हमें मसल्स पेन रहता है और बॉडी में जकड़न रहती है, तो आप बारिश की ऋतु में अगर अभ्यंग करवाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर दर्द और बदन दर्द रहता है, वो रात को सोने से पहले 10 ml कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडी का तेल 10 ml लेकर उसमें 2-3 चुटकी सौंठ डालकर रात को सोने से पहले गर्म गुनगुने दूध या तो गर्म गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन करते हैं, तो उनको भी वायु रिलेटेड बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बारिश की सीजन के बारे में आपको पूरी विस्तार से माहिती यहाँ पे दी है। आपको बारिश की सीजन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम जल्द से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।